राधे राधे, कैसे हैं आप सब। पूजा की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक प्रेरक कहानी कर्मों का फल सुनाने जा रही हूँ। सेवा करते करते बरसों बीत गए। उसका परिवार कभी कभी यह भी सोचता कि हम सब इतने प्रेम भाव से संत महात्मा और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे परिवार में इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या दोष था जो वह अपाहिज है। एक दिन की बात है, जब संत महात्मा का सत्संग चल रहा था, हजारों लाखों श्रद्धालुओं उस सत्संग में बैठे हुए थे। संत महात्मा ने अपने प्रवचन पूरा करने के बाद कहा कि इस पूरे प्रवचन के विषय में अभी भी किसी के मन में कोई शंका हो तो वे बताएं। हजारों लाखों श्रद्धालुओं के बीच उस अपाहिज पुत्र के पिता ने संत महात्मा से एक सवाल किया कि हे महात्मा, हम सब निस्वार्थ भाव से ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं और हमारा पूरा परिवार अहिंसा के मार्ग पर चलता है। कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, ना ही किसी का बुरा करते हैं, फिर भी ऐसा क्या गुनाह हुआ जो हमारा बच्चा अपाहिज पैदा हुआ। फिर गुरु ने जवाब दिया, वैसे तो मैं यह बात नहीं बता सकता, फिर भी आपके मन में दुविधा है तो सुनो। यह जो बच्चा है, जो दोनों टांगों से बेकार है, पिछले जन्म में एक किसान का बेटा था। रोज खेत में अपने पिता को दोपहर में भोजन का टिफिन खेत में देने जाया करता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे दोपहर में 11 बजे खाना लगा कर दिया और कहा कि बेटा खाना खाकर पिताजी को टिफिन देकर आना। इसकी माँ ने खाना परोसकर थाली में रखा कि इतने में उसके किसी दोस्त ने आवाज़ लगाई तो वह खाना वहीं छोड़कर अपने दोस्त से बात करने बाहर चला गया। इतने में ही एक कुत्ता घर में घुस आया और उसने थाली में मुंह डाला और रोटी खाने लगा। लड़का जैसे ही घर में वापस आया और कुत्ते को थाली में मुंह डालता हुआ देखकर पासी में एक लोहे का बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था। उसने यह भी नहीं सोचा कि खाना तो झूठा हो चुका है। बिना सोचे समझे उस कुत्ते की दोनों टांगों पर इतनी जोर से लोहे का डंडा मारा कि वह कुत्ता अपनी ज़िंदगी में जब तक जिंदा रहा दोनों पैरों से बेकार होकर घसीटते घसीटते ज़िंदगी जिया और तड़प तड़प कर मर गया। कर्मों का फल जरूर मिलता है। यह उसी कुत्ते की बद्दुआ का फल है जो इस जन्म में यह दोनों टांगों से अपाहिज पैदा हुआ है। संत महात्मा ने कहा कि पुत्र, इस संसार में इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में अगर किसी की टांग तोड़ी है तो स्वाभाविक है कि अगले जन्म में आपकी टांग टूटनी ही है। अगर आप किसी को नुकसान पहुँचाओगे तो आपका भी नुकसान होना ही है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जो भी कर्म करो सोच समझ कर करो। आप अपने कर्म फल से नहीं बच सकते। आप जहाँ भी जाते हैं और जो भी कुछ करते हैं, आपको कर्म ही आपकी शांति पूर्वक देख रहे होते हैं। किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वहन करना ही होता है, इसलिए हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को प्रधानता देते हुए यहाँ तक स्पष्ट किया है कि व्यक्ति की यात्रा जहाँ से छूटती है अगले जन्म में वह वहीं से प्रारंभ होती है। जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वह परमात्मा के करीब है, लेकिन ध्यान रहे, यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो वह उन सारे नियमों का पालन करता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए हैं। राधे राधे। कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक।